क्या हाल चाल है जी? ऑल द पीपल हु आर वाचिंग द पैकन्स एजुकेशन लाइव सेशन। सबसे पहले मेरा नाम अहमद जावेद है और मैं पैकन्स का 2017 बैच आइट्स का स्टूडेंट हूँ। और उमर साहब जो है मेरे काफी क्लोज हैं और यही वजह है कि मैं पैकन्स को मोर हर लाइक अ फ्रेंड ना। हाँ जी डेफिनेटली यही वजह है कि मैं उमर साहब को और पैकन्स को हर अपने क्लोज रिलेटिव फ्रेंड या किसी भी बंदे को जो गाइड या मेंटर करना चाहता है इस आइट्स और इमिग्रेशन के प्रोसेस के लिए, मैं उसको पैकन्स रेकमेंड करता हूँ। बिकॉज उमर साहब टीचेस यू विद अ प्योर हार्ट। मतलब मुझे अभी भी याद है कि जब मैं फर्स्ट टाइम आया था इनके पास तो मेरे भाई मेरे साथ थे, तो इन्होंने कहा था कि जी मुझे नहीं जरूरत है आइट्स की, बिकॉज ही थॉट कि मैं अच्छे तरीके से पढ़ सकता हूँ खुद से। दैट इज व्हाट आई लव्ड अबाउट हिम कि ही इज नेवर इनटू के ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हो जाए और ज्यादा से ज्यादा मैं पैसे कमा लूँ। इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइस आउट। तो जब हम लोग इनके पास यहाँ पे आए पहले तो ऑब्वियसली इज अ बिजी गाय तो मुलाकात जो है वो कम ही होती है, लेकिन तो ही ट्रीटेड अस विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। हम जॉब वगैरह कर रहे थे, टाइम हमारे पास कम होता था, लेकिन इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने हमें बड़ा अच्छा ट्रेन किया। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट ही इज क्वाइट ऑनेस्ट व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग, एंड अलोंग विद दैट द एवेल्युएशन इज नियर टू द व्हाट यू गेट इन एन आईएलटीएस एग्जाम। Okay, thank you very much. I'll now be talking about Mr. Ahmed. He has received his Canadian immigration now. Definitely. He was a student in 2017. इनको या आज यहाँ पे ये basically इन्होंने बहुत ज़्यादा students यहाँ पे भेज चुके हैं Pekins को. So he has contributed towards the business of Pekins a lot. जो purpose था वो ये था कि आज ये वैसे ही randomly आ गए थे कि तो मैं ये video बना रहा था तो मैंने कहा ये इस video में ज़रूर हूँ. पहली चीज है कि व्हेन ही यूज्ड टू बी अ स्टूडेंट एट पेकिंस, इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है. मैं यही चीज वीडियोस में बार बार कहता हूँ कि जो आपकी इंग्लिश है ना उससे 0.5 या 1 बैंड आपका स्कोर ऊपर जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता. तो ये ही इज वेरी कर्टियस और ही इज वेरी कर्टियस टू से दैट इट इज बिकॉज ऑफ मी, बट इट इज द फैक्ट इज दैट हिज इंग्लिश वाज वेरी गुड. इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी. अच्छा, अब ये जब आए थे तो पहले ये अपने भाई का बता रहे थे, वो पेकिंस गुलबर्ग में आए थे, फिर पेकिंस टाउनशिप में ही अपने दोस्त के साथ आए थे, फिर आई थिंक यू आल्सो ब्रॉट योर वाइफ, मगर मैंने को कहा था आप अपनी वाइफ की खुद ही प्रिपरेशन करा लें क्योंकि एडमिशन की जरूरत नहीं है. मैंने को कहा था मटेरियल मैं आपको दे देता हूँ. ये एकेडमी में ना हमेशा 7.5 या 8 स्पीकिंग में स्कोर करते थे और जब इन्होंने एग्जाम दिया इन्होंने मुझे बाद में बताया कि इनका स्कोर आ गया 6.5. एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे. तो ये ना इनके दोस्त या इनके जो भी लोग थे 6.5 इतना कम आया, तो उसके बाद ना इनको ये इन्होंने फिर जब EOR करवाया जी तो इनका स्कोर 8 बन गया. ऐसा हुआ था जी कि फ्रॉम ऑल द फोर एलिमेंट्स ऑफ IELTS स्पीकिंग वाज माय टॉप नॉच बिकॉज़ आई हैव बीन अ पब्लिक स्पीकर ऑल माय कॉलेज लाइफ एंड नोबडी बिलीव्ड व्हेन आई स्कोर्ड अ 6.5 इन IELTS इन स्पीकिंग. मेरा ओवरऑल बैंड जो है वो इस तरह था कि मेरा सर लिसनिंग में 8.5 था, रीडिंग में 7.5 था, स्पीक राइटिंग में 7 था और स्पीकिंग में 6.5 था. तो आई कुडंट बिलीव इट. देन आई डिस्कस्ड विद उमर साहब एंड अ फ्यू ऑफ अदर पीपल एंड दे टोल्ड मी टू गो फॉर एन EOR बिकॉज फॉर श्योर आपको अपने ना पता होता है कि यार कितना जो है ना कितना स्ट्रेंथ है. तो डेफिनेट 7 वॉज नो वेयर, ये नहीं हो सकता था कि 7 से नीचे है. सो आई सेंट इन एन EOR, इसके लिए आपको उनका एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, हाफ ऑफ फीस ऑफ योर IELTS IELTS एग्जाम की हाफ फीस आपको देनी पड़ती है एंड दैट थिंग गोज टू द कैम्ब्रिज, देयर हेड ऑफिस इन कैम्ब्रिज. और वहां पे क्या होता है कि एक अनबायस्ड बंदा जिसको आपके किसी एग्जाम का नहीं पता होता, किसी और बैंड का नहीं पता होता, वो आपकी रिकॉर्डिंग सुनता है और उसके ऊपर जो वो मार्क्स कर देते हैं वो फाइनल होते हैं. तो आई स्कोर्ड एन 8 बैंड आफ्टर एवैल्यूएशन. तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपके रिजल्ट में कुछ मसला है तो आप डेफिनेटली उसको EOR के लिए भेजें. और हर बंदे को ये पता भी नहीं होता जी जी. फॉर इंस्टेंस आप बिकॉज यू हैव बीन पब्लिक स्पीकर, यू आर स्पीकिंग रियली वेल, वो कॉन्फिडेंस जो था ना ये इनमें पहले से था, इनग्रेन था कि मेरा इतना नहीं आ जी, सकता definitely. तो ये अनफेयर जो मार्किंग है ना ये आइट्स में हो सकती है. फिर दूसरी चीज है कि अभी ये वीडियो अगर हम बना रहे हैं तो इनकी वीडियो देखने के बाद मेजॉरिटी लोगों को ये लगेगा कि जो पैकेज में आता है उसका बैंड 8 भी आ जाता है और वो कनाडा भी चला जाता है. तो ये सच नहीं है. कनाडा के पीछे बहुत अलग मेहनत है जी, उसके लिए आपका पूरा एक क्राइटेरिया है और उसके लिए आपका पूरा स्कोर पॉइंट है. स्कोर पॉइंट है उसके लिए जो है वो मैं रेकमेंड नहीं, नहीं वो भी आपको यहाँ पे वीडियो पे लाने का मकसद ये है कि आप जो है ना बेसिकली इनको भी ये बताएं
कि एक अपने अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, जी जी, आपने अपनी फुल पोटेंशियल के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, यू हैव टू वर्क ऑन स्किल डेवलपमेंट, और फिर हाँ अकेडमी में आके 0.5 या 1 बैंड होता है। ज्यादातर जो भी अकेडमी, जैसे मैं आपको भी कह देता चले मेरे बारे में सच झूठ बोलते हैं, वो होगा क्या कि जो भी आ रहा होगा ना वो ये समझेगा कि ये जो है ना वैकेंसी के पास शॉर्टकट है, किसी एकेडमी के पास नहीं। देखिए ये चीज ना उमर साहब की सबसे बेस्ट है और यही चीज फर्दर रेकमेंडेड भी मैं करता हूँ कि देयर इज नो शॉर्टकट टू 7-8 बैंड। अगर आपको कोई कहता है 7 दिनों में हाइट्स, 6 दिनों में तैयारी, 7 दिनों में 7 बैंड, भाई ऐसा कुछ नहीं है। आई वुड लाइक टू टेल यू दिस थिंग फॉर श्योर कि आपको मेहनत करनी है। इसके अंदर IELTS इज नॉट अ लैंग्वेज टेस्ट, इनके अल्फाज जो मैं बोर्ड करने लगा, इट्स अ कल्चरल टेस्ट। आपको उनकी लैंग्वेज को समझने के लिए अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। मतलब उनका पहला सवाल मुझसे ये था कि आप देखते क्या है, मतलब क्या एंटरटेनमेंट सोर्स आपका क्या है, तो मैंने कहा जी सीजन देखते हो, कहा जी कौन से सीजन, तो आई नेम्ड अ फ्यू, फॉर एग्जाम्पल बिग बैंग थ्योरी, द कैसल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑफ माई चॉइस एट दैट टाइम, अब तो सर टाइम ही नहीं मिलता। तो वो आपको जब आप उनकी इंग्लिश, उनकी लैंग्वेज को, उनके कल्चर को सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं, IELTS किसी भी एकेडमी के अंदर ना एक रूटीन देता है। पैकेंस इज अ रूटीन, आपको 12 से 15 टेस्ट देने हैं, इसकी वजह से आपको हैबिट बनेगी टेस्ट देने की, और जो कॉन्टेंट मटीरियल और टिप्स एंड टूल्स होते हैं वो भी बहुत फायदा कराते हैं, वो आपको बेसिकली निकाल देते हैं, मगर वो 1 बैंड से ऊपर नहीं देते, लेकिन वो 1-1.5 बैंड का ही फर्क आते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। उस अगर आप ये समझते हैं कि यू कैन कम इन रॉ एंड एनी इंस्टीट्यूट, कोई भी नहीं कर सकता, दिस इज 100%, कोई इंस्टीट्यूट आपको स्क्रैच से उठा के 8 बैंड भी नहीं लेके जा सकते। अगर ये जरूर है कि आपको बता दिया जाएगा कि इन चीजों की कमी है और उस पर फिर उतना ही टाइम ज्यादा या कम। और एक और चीज है, फॉर इंस्टेंस अभी आपकी कैनेडियन इमिग्रेशन हो गया, मैं कैनेडा से पढ़ा था लंडन ओंटारियो में, तो जब लोग इमिग्रेशन के लिए कर रहे होते हैं तो उनके दिमाग में ये होता है कि शायद इस बंदे के ना एम्बेसी के साथ ताल्लुकात होंगे। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपने बेसिकली उनको ये प्रूफ कराना है दैट यू आर अ वैल्यूएबल पर्सन। जी डेफिनेटली, आप अगर इनका हुआ है तो इनकी जॉब, इनकी एजुकेशन, इनके पॉइंट्स, इनकी हर चीज जो है, अब कोई स्टडी के लिए जा रहा है तो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री, उसकी प्रीवियस एजुकेशन, हर चीज मैटर करती है। एग्जैक्टली, सो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल क्लेरिफाई, और इस वजह से ये चीज ना मैं खुद बताता हूँ हर वीडियो में, मगर शायद लोगों को समझ नहीं आ रही होती, जैसे एक टीचर है ना वो बोलता है तो दिमाग के ऊपर से जाती है, स्टूडेंट को बोलता है तो वो सीधा दिमाग के। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।